This What conference is will now be networking? recorded. What is network and use of network? गाइस ये आपके एक तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, तो इनके आप अपने आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखिए. What is networking and use of networking? तो गाइस देखिए, what is networking, इस क्वेश्चन के आंसर की कोई वैल्यू नहीं है. द वैल्यू है व्हाई यूज ऑफ द नेटवर्किंग. यूज क्या है, हमें वो चीज क्या है उसका नहीं, हम उसका यूज कहां पर करेंगे वो चीज हमें पता होना. गॉट माय पॉइंट? आपको क्या चीज आती है डज नॉट मैटर. आपने 10th 12th सब कुछ पढ़ा है, बट क्या 10th में जो पढ़ा है वो कहीं यूज हो रहा है? बट हाँ, स्टार्टिंग में हमें जो मैथ पढ़ाया गया था जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, यस नो? तो वही सारी चीजें हैं. नाउ उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड यूज ऑफ प्रोटोकॉल. देन व्हाट इज गेटवे एंड यूज ऑफ गेटवे. एंड एक और टॉपिक हमने पढ़ा था आईपी एड्रेसिंग, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे. What is IP addressing and use of IP? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि IP address है क्या और उसका use क्या है, and what is subnetting and use of subnetting. तो गाइस एक्चुअली में क्या है कि आपके इंडस्ट्री में जो यूज होता है ना वो आपकी सबनेटिंग यूज होती है. तो यही हमारा टॉपिक है. तो नाउ आई एम जस्ट कंटिन्यू द इंटायर टॉपिक नेम आईपी ई डबल डी आर ई डबल एस आई एन जी आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग. तो इससे पहले की क्लास आप दोनों देख लेना, नहीं आएगा मैं रिपीट कर दूंगा. एक एक घंटे की क्लास आप इजीली कर दोगे थ्योरी के लिए, क्योंकि जो भी चीजें हम अभी बता रहे हैं वो सारी चीजें आगे हमारे प्रैक्टिकल होंगी. तो आगे चल के ये चीजें मैं स्किप करूंगा, क्योंकि वहां मैं इतनी थ्योरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पे फिर आप पूछोगे सर ये क्या चीज आ रही है, तो वो सारी चीजें मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ. यानी कि कहते ना कि गाड़ी चलाने से पहले मैं गाड़ी के सारे फंक्शन आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब उस समय लैप करी जाए तो आपका फोकस लैप पर रहे. अदरवाइज आप बोलेंगे सर ये आईपी क्यों डाला है, ये पब्लिक आईपी क्या है, ये प्राइवेट आईपी क्या है, ठीक है ना? तो वहां पे वो क्वेश्चन आएंगे, तो पहले ही मैं लैब के जो भी पॉइंट है उनको पहले ही मैं कवर कर रहा हूँ कि क्या प्री रिक्विजिट, पहले क्या चीजें रिक्वायर्ड है हमारे दो सिस्टम को कॉम्युनिकेट कराने. तो गाइस आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, तो मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे जो आईपी एड्रेसिंग है ना वो दो टाइप की होती है. एक आईपी हमारा होता है क्लास लेस, और एक हमारा होता है क्लास फुल. तो गाइस क्लास फुल की अगर मैं बात करता हूं, तो क्लास फुल के अंदर हमारी आ जाती है सीएलएडब्ल्यू क्लास ए बी सी डी एंड ई. तो ये जो तीन क्लास पांच क्लासेस है, इन पांच क्लासेस के जो एड्रेसेस होते हैं वो क्लास, और क्लासफुल जो एड्रेसेस होते हैं उनका जो कंडीशंस है वो क्या एक फिक्स रहती है, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती. यानी कि अगर मैं बात करता हूं क्लास ए की, तो क्लास ए की जो रेंज है वो होती है 1 to 126, द क्लास ए आईपी रेंज. क्लास ए आईपी रेंज, आईपी रेंज का मतलब है कि गाइस आपका जो आईपी स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 1.0.0.0. इसी तरीके से यहां पर कितनी रेंज है, 126 रेंज है. पहली रेंज 1 हो गई, दूसरी हो गई 2, तीसरी हो गई 3. तो ऐसे कितनी रेंज है,
126, और ये क्लास फुल कब बनता है, जब इस रेंज के साथ ऑलवेज सीआईडीआर वैल्यू 8 होती है। अगर सीआईडीआर वैल्यू 8 है तो वो है क्लास फुल एंटर, यानी कि क्लास ए की रेंज प्लस सीआईडीआर वैल्यू इज 8, ये आपका क्लास फुल है। लेकिन अगर 8 की जगह यहां पे वो कोई और बिट दे देता है तो वो आपका बन जाएगा क्लास लेस। तो जो बिट नंबर 8 है वो क्या है, क्लास ए है, यानी कि यहां पर 126 रेंज है। 1 आपके पास 1 का भी आईपी हो सकता है, या 2 का दे रहा है, या 3 का दे रहा है, कोई 100 से आईपी स्टार्ट हो रहा है, कोई 120 से आईपी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आईपी स्टार्ट हो रहा है लाइक ये, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 3 सिस्टम है, 1, 2 एंड 3, ये मेरे पास 3 सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पे क्या एलोकेट कर दिया, पहले सिस्टम को आईपी दे दिया 1.0.0.1, दूसरे को मैंने आईपी दे दिया 1.0.0.2, तीसरे को आईपी मैंने दे दिया 1.0.0.3। और ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो गाइस ये मैक्सिमम जा सकता है आपका 1.255.255.255, बट ये 254 तक ही जाए। तो ये आपके आईपी है। अब आपको ये आता है कि सर ये तो पता लग गया कि 1.0.0.0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये खत्म कैसे होगा, ये आपको कैसे पता लगा कि आखिरी में यहीं तक ही जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो इसका रीजन है कि IPv4 जो है आपका, मैंने पहले भी बताया था, द IPv4 इज आ 32 बिट आईपी एड्रेस व्हेन यू यूज एनी आईपी एड्रेस ऑफ IPv4 यूज बिट्स बिटवीन 8 to 32। यानी कि अगर आप कभी भी कोई भी आईपी IPv4 का यूज करते हैं तो आपके पास 32 बिट्स है, उन 32 बिट में से आप कोई भी बिट यूज कर सकते। लेकिन IPv4 को 5 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करा गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, और हर क्लास की एक रेंज डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। कट माय पॉइंट, कहते ना कि एक बड़ा सा खेत है उसके प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो बताया गया कि भाई ये 100 गज का प्लॉट है, आगे वाले का 300 गज स्क्वायर फीट का है, उससे आगे वाले का 500 स्क्वायर फीट का है। यस और नो? तो हर बंदे की नीड के अकॉर्डिंग वो आईपी की जो बाउंड्री है ना वो चेंज करेगी। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ आईपी किसको कितने मिलेंगे वो आपको पता लगेगा बिट्स से, और हमारे पास जो बिट्स है यूजेबल वो 8 to 32। नाउ कि अगर आपको कोई भी आईपी मिल रहा लाइक 10.0.0.0 तो वो आपको 8 to 30 कोई भी बिट्स एलोकेट कर सकता है 32 तक। गॉट माय पॉइंट? 8 to 32। लेकिन इन 8 to 32 बिट में से कुछ बिट्सों को रिजर्व रखा गया कि उनको आप लोग यूज नहीं कर सकते, जिसमें से अगर मैं बात करता हूं कि क्लास फुल की, कि क्लास फुल की बिट्स कौन सी है, तो गाइस क्लास फुल की बिट्स अगर मैं बात करता हूं कि अगर क्लास ए आपकी क्लास, यहां पे ये चीज पॉइंट है, ये इंटरव्यू से पूछा जाता है, अगर आपकी क्लास ए है और उसकी आईपी रेंज क्या है 1 to 126 है, यानी कि आईपी हो गया क्लास ए का, और वो आपको कैसे पता लगेगा रेंज से। अगर मैंने यहां पे आईपी दे दिया लाइक 150.0.0.0 तो ये मेरा क्लास ए का आईपी नहीं है, बिकॉज ये 126 के बीच में नहीं आता है, ये किसका है, अदर क्लास। तो यहां पर अगर मैंने आईपी दिया 10.0.0.0, अगर क्लास ए का आईपी और उसके साथ /8 मिल रहा है, देन ये क्लास फुल है।
लेकिन अगर आपको आईपी मिल जाता है 150.0.0.0/A तब ये क्लास फुल नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना गाइस। गाइस गॉटन माय पॉइंट एवरीवन? हर्षित, कृष्णा, रुबल, शुभम, सुनील, यस सर। क्लास फुल एड्रेस भी वो कब बन रहा है? अगर वो क्लास ए की रेंज के साथ 8 लिख रहा है तो क्लास फुल है, लेकिन अगर वो क्लास किसी अदर क्लास के साथ /8 लिखा आ गया तो क्लास फुल एड्रेस नहीं है। कुछ समझे? आपको ये बताया गया है कि ये हमारे स्टैंडर्ड है 8, 16, 24 और 32, बट इसके साथ क्लास मैप्ड है। अगर मैं /8 को किसी और क्लास की रेंज के साथ लिख दूंगा तो क्लास फुल एड्रेस नहीं होगा। ये उस दिन क्वेश्चन मैंने जब पूछा था वीकेंड पे, तो मैं आगे इसलिए नहीं पूछा था, चलो पहली क्लास है तो यहाँ पे सुनील बैठा हुआ था, रोहित बैठा था, ये क्लास फुल है, अब मैं उसको और डीपली लेके नहीं जाना चाह रहा था कि रहने दो, क्योंकि मेरे ही कलीग ने पढ़ाया है तो मैं नहीं चाहूंगा। और गाइस अगर मैं बात करता हूं क्लास बी की, तो क्लास बी की जो रेंज है वो है आपकी 128 to 191, और इसकी जो क्लास फुल एड्रेस रेंज है वो है आपका लाइक 128.0.0.0/60। तो अगर क्लास बी की रेंज है आपकी और क्लास बी की रेंज के साथ अगर 16 लिखा आ रहा है तो वो क्लास फुल एड्रेस होगी। लेकिन अगर यहां पर 8 लिख जाता है तो वो क्लास फुल नहीं है। वो 8 किस कंडीशन में? अगर क्लास ए के साथ ही आ रहा है तो वो क्लास फुल है, क्योंकि हर क्लास की क्लास फुल जो वैल्यू है वो अलग सेट करी गई है। भाई वो तुम्हारे घर का डिफॉल्ट एड्रेस है, मेरे घर का वो नहीं हो सकता ना, मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? रुबल, सौर्या, शुभम, सुनील, कृष्णा, गॉट इट द पॉइंट? क्योंकि गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है आपका अब मैं बात कर रहा हूं क्लास सी की 0, 127, वो रिजर्व है, उनको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते, इससे पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने वो बताया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लास सी, द रेंज /20, और ये भी आपका क्लास फुल है, यानी कि अगर आपके पास बिटवीन 192 to 223 की ही रेंज है और आपको /24 मिल रहा है वो आपका क्लास फुल है। लेकिन अगर यहां 192 की जगह मैंने 191 कर दिया तो वो क्लास बी में पहुंच गया, लेकिन स्लैश में क्या है 20, तो वो क्लास लेस नहीं है, तो वो क्लास फुल नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। तो गाइस ये तो थे क्लास फुल, बाकी डी और ई इज रिजर्व फॉर नासा और रिसर्च एंट्री रिसर्च सेंटर, तो उन आईपीस को हम यूज है। इसके अलावा यहां पर हमारी एक और स्टैंडर्ड बेट्स है क्लास फुल की, और वो जो हमारी स्टैंडर्ड बेट्स है क्लास फुल की वो बेट्स है /32, और आप इसको किसी भी आईपी के साथ यूज कर सकते हैं। तो /32 हमारा जो यूज होता है इट बेसिकली यूज फॉर सिंगल आईपी। अगर आपको कभी भी सिंगल आईपी चाहिए,
आईपी हमेशा या तो हमें ग्रुप में मिलेंगे या आप सिंगल आईपी लेना चाहोगे, एक से ज्यादा या एक। तो अगर आप कभी भी सिंगल आईपी लेते हैं तो वो आपको /32 देगा। क्लियर? सिलेंडर कोई क्वेश्चन क्लियर है? कॉल बाहरी खड़े भी मैंने भगा दिया। मिलिया सो गाइस, दिस इज कॉल्ड द आईपी एड्रेसिंग ऑफ क्लास फुल। अब हम आ रहे हैं क्लास लेस, क्योंकि आज हमें पढ़नी है क्लास लेस आईपी। तो अगर हम बात करते हैं क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग, नाउ एनी क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, आपकी किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस, गॉट इट? एंड यूज बिट्स बिटवीन 8 to 30, और आप कोई भी बिट्स उसके बीच में यूज, वो आपके सारे के सारे आईपी क्या हो जाएंगे? क्लास लेस हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने यहां पर आपको एक आईपी दिया 10.0.0.0, तो आपको 10 से पता लग गया किस क्लास का है, ई का है। अगर /8 आया तो एक क्लास फुल बन गया, लेकिन 8 के अलावा 9 to 30 अगर कोई भी बिट आ रही है तो क्या बन जाएगा? क्लास लेस बन जाएगा। तो दिस इज अ क्लास लेस सबनेट ऑफ आईपी क्लास ए। तो क्लास ए के ये सारे के सारे सबनेट जो है ये क्लास लेस सबनेट। अब इसके अंदर आप देखो 16 भी आएगा और 24 भी आएगा, यस और नो? बट 16 अगर क्लास बी के साथ आता है तो वो क्लास फुल बनता है, अदरवाइज क्या होगा? अब अगर मैं यहां पर आता हूं लाइक 172.0.0.0, ये किस क्लास की रेंज है, कौन सी क्लास का आईपी है? ये बी का है। नाउ अगर यहां पर मैं 16 कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? क्लास फुल। लेकिन अगर मैं यहां पर कर देता हूं 17 to 30, तो ये सारे के सारे आईपीज आपके क्या हो जाएंगे? क्लास लेस आईपीज बन जाएंगे। सेम एज 192.0.0.0/24 इज द डिफॉल्ट क्लास फुल। लेकिन अगर मैं यहां पे कर देता हूं 25 to 30, ये क्लास लेस। अब यहां पे एक और कंडीशन बता देता हूं, आप चाहो तो अपने आईपीस को 192.0.0.0/8 to 30 भी ले सकते हो, 172.0.0.0/8 to 30 एंड 10.0.0.0/8 to 30। सो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 17 से स्टार्ट करो, आप अपने आईपीस को 8 to 30 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्लास बी में भी कर सकते हो और क्लास ए में। बट ये जो पार्ट है ये हमारी बहुत ही कोर नेटवर्किंग में पड़ते हैं, जिसको हम सुपर सबनेटिंग बोलते हैं। एक होता है सबनेटिंग, एक होता है सुपर सबनेटिंग। सुपर सबनेटिंग का मतलब है कि मेरी कंपनी में 50 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, और हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अलग अलग आईपीज यूज कर रहा है। अब मुझे उनको बाहर कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि 50 रूट ना बनाने पड़े मुझे, यानी कि 50 एग्जिट पॉइंट डिफाइंड ना करना पड़े। तो मैं सारे आईपीज को क्या कर देता हूं, मर्ज कर देता। जब मैं सारे आईपीज को मर्ज कर दूंगा तो मेरा एक कॉमन आईपी निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं सुपर नेटिंग। तो दिस इज पार्ट कि अगर आप 8 to 30, अगर आपने 192 की क्लास की आईपी किसी ने दे रखी है आपको और स्लैश में उसने क्लास ए का सबनेट दे दिया है, तो भी वो सही है, गलत नहीं है। तो क्लास लेस सबनेटिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो ही यूज होती है। और क्लास लेस सबनेटिंग का पहला रूल है कि आपका किसी भी रेंज का आईपी हो और कोई भी बिट हो, अगर आपको दे रखी है तो आप उसको कभी भी गलत मत बोलना, वो क्या है, ऑलवेज सही है।
आपको नहीं पता क्योंकि आपने उस पर रिसर्च नहीं करी है, बट वो एकदम सही है और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर कंप्यूटर ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया दैट मीन्स वो करेक्ट है, क्योंकि गलत चीज को कंप्यूटर ओएस एक्सेप्ट करेगा। क्लियर एवरीवन? यस। अब यहां पे आता है पॉइंट, इस पॉइंट को फिर से रिपीट करना एक बार। किस वाले पॉइंट को शुभम? हाँ सर, रिपीट करना एक बार फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम गलत आईपी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आपको लग रहा है, आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार ये बताओ इनमें से कौन सा सही है, आप उस आईपी को अपने सिस्टम में एड ऑन करके ले लो, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया सही है। ओके, क्लियर? हाँ और बेटर ये है कि चाहे किसी भी क्लास का हो, क्योंकि देखिए आप लोगों ने जब भी आईपी एड्रेसिंग पढ़ी होगी ना स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर भी, तो आपको ना क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग ही हमेशा पढ़ाई गई है कि IPv4 होता है, 32 बिट का होता है, 5 क्लासेस है, ये उनकी रेंज है और ये उनका सबनेट मास्क। तो होता क्या है हमारे मेंटल ब्लॉकेज में वो गिने चुने तीन ही सबनेट रह जाते हैं, /8/255/000 /16/255/255/000 और /24 जिसको हम बोलते हैं 255/255/255.0। इसके अलावा और कोई सबनेट हमारे माइंड में आता ही नहीं और ना कोई बता दे। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहां पर आपको सारे क्लास लेस, क्योंकि क्लास लेस आईपी यूज करने का रीजन है सिक्योरिटी, कि जब भी कंपनी क्लास लेस आईपी यूज करती है तो उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्लासफुल सबको पता है क्लास लेस को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, दिस इज अ वन कंपनी इज अवेलेबल, तो गाइस सभी लोग इस नाम को लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और आपके बहुत काम आने वाला है, ICCP इंफोटेक, ये वो नाम है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो सभी लोग इस नाम को लिख लें, क्यों भाई बाद में बताएंगे, क्यों ऐसे कह रहा हूं ना, अभी इनको बताया नहीं है मैंने इस कंपनी के बारे में, बाद में बताएंगे। गाइस इस कंपनी की चार ब्रांचेज है, हर कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज हो सकती है ना। अब कंपनी की एक ब्रांच में वो कहता है वी नीड अ 1000 आईपी, एक जगह उसे 1000 आईपी चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस है 1000 एम्प्लॉइज है 1000 आईपी चाहिए, रीजनल ऑफिस 500 आईपी की रिक्वायरमेंट, ब्रांच ऑफिस लाइक 250 आईपी चाहिए, एंड लाइक एक और आपका कोई भी अदर एक और ब्रांच ऑफिस है लाइक HR डिपार्टमेंट या व्हाटएवर कोई भी एक डिपार्टमेंट है उसको भी नीड है 100 आईपी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि 100 आईपी, 500 आईपी, 250 आईपी एंड 100 आईपी, गॉट इट एवरीवन? लॉजिक क्लियर है? यस। अब किस तरीके से आप आईपीस को एग्जीक्यूट करोगे, कंपनी सबके लिए अलग अलग खरीदे या कंपनी एक बड़ा ग्रुप ले ले उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कौन सा फायदा है? कि एक बड़ा आईपी ले ले और डिस्ट्रीब्यूट कर। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि आप किसी भी क्लास का आईपी ले ले, क्योंकि मैं क्लास लेस बता रहा हूं, यू कैन यूज एनी क्लास ऑफ आईपी, और यहां पर आप जो भी बिट्स डालोगे उस बिट से आपको पता लगेगा कि आपको कितने आईपी का ग्रुप मिलेगा। अगर मैंने यहां पर बिट नंबर डाल दी सपोज करो 16, तो टोटल मेरी कितनी बिट्स थी 32। अब 32 में से 16 बिट्स का मतलब है कि यहां पर उसने बोला है आपको 16 बिट्स ऑन करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट और 16 ऑफ रखनी है, ऑफ का मतलब है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8।
नाउ ये हमारी हो गई ऑन बिट और ये हमारी हो गई ऑफ बिट. यहां पर हमारी ऑन बिट्स कितनी हो गई? ऑन बिट 16 एंड ऑफ बिट कितनी हो गई? वो भी 16 हो गई. नाउ द ऑन बिट्स को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट. ऑन बिट्स को क्या कॉल कराया जाता है? एंड ऑफ बिट्स को कॉल कराया जाता है होस्ट बिट. होस्ट एंड फाउंड होस्ट. और अगर आपको होस्ट फाउंड करने हैं कि कितने आईपीएस निकलेंगे, तो होस्ट फाउंड करने की एक फॉर्मूला है 2 to the power नंबर ऑफ ऑफ बिट्स. गॉट इट माय पॉइंट? तो अगर मेरे पास 2 हो गया और ऑफ बिट कितनी है? 16 है, तो कितने आईपीएस आएंगे? 65,536 आईपीएस. मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आईपीस इतने आएंगे 16 नंबर. गॉट माय पॉइंट? सो ऑलवेज यू कैन फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ ऑफिस आपको जितने आईपी. अब मेरे पास यहां पर ये है, तो मैं पहले देखता हूं कि मुझे कितने आईपीस की जरूरत है. 1000 के बाद प्लस 500 प्लस 250 प्लस 100. टोटल कितने आईपी हो गए? 1850. 1850 आईपीस मुझे टोटल चाहिए. अब मैं कहता हूं कि 1850 रुपए आपको चाहिए, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ने 1850 का करेंसी प्रिंट करी है? नहीं करी ना. इसी तरीके से यहां पर जितने आईपी चाहिए एक्यूरेट आईपीस आपको नहीं मिले. आपके पास दो ही ऑप्शन है 1850 रुपए देने के. या तो आप चिल्लर इकट्ठे करो या 2000 का नोट दो. या तो नो, यही ऑप्शन है. चिल्लर इकट्ठी करेंगे तो उसमें से काफी सारे नोट्स आपको करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे ग्रुप को जोड़ के बनाते हैं तो काफी सारे आईपीस, क्योंकि हर आईपीस में से हर ग्रुप में से 2 आईपीस रिजर्व हो जाते हैं. तो अगर आपने 20 ग्रुप को जोड़कर 1800 बनाए तो 20 में से 40 आईपी तो आपने रिजर्व ही कर दिए, तो उनकी तो कॉस्ट आपकी वेवस्ट गई ना, वेस्टेज गई ना. तो हमें उस वेस्टेज को भी क्या करना है? कंट्रोल करना है. तो गाइस 1850 यानी कि मैं कितने आईपी का ग्रुप लूं कि ये 1850 आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अगर मैं 65,536 लेता हूं, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे हर आईपी का कॉस्ट क्या करना पड़ रहा है? पे करना पड़ रहा है. तो अगर मैं 16 आईपी सिलसिला 16 लेता हूं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा आईपी मिल रहे हैं, मुझे तो 1800 है. और अगर मैं यहां पर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.0/20 2 21. तो अब कितनी बिट्स ऑन करनी है मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. 21 हो गई ना? यस नो? 21 बिट्स हो गई. टोटल 32 बिट हो गई. कितनी ऑफ बिट्स है? ऑफ बिट कितनी है? 11. कितना आया? 2048 कैसे आया? तो ये ऐसे आया भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
नौ दस और ग्यारह, समझ गए? क्या हुआ भाई, हेलो, नहीं समझा? क्लियर है? किसी का कोई डाउट? यस सर। तो मुझे स्लैश 21 पे कितने आईपीज मिलेंगे? 204, ये वर्ल्ड वाइड फिक्स है। इसीलिए आप लोगों का जो टास्क है वो 10.0.0.0/8-30 आपको हर बिट पे पता होना चाहिए कितने आईपी का ग्रुप है। मुझे पता है, इसलिए मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर।
आपको पता होना चाहिए 8 पे कितने आएंगे। अगर 8 बिट ऑफ ऑन कर ली तो ऑफ कितनी बची 32 में से, 32 में 24, और 2 टू द पावर 24 करेंगे तो कितना आएगा 1,67,77,269 इन अ सिंगल ग्रुप। आपको 2000 आईपी की जरूरत है तो क्या आप 1,67,00,000 आईपी खरीदोगे? तो सबनेटिंग करने का रीजन हमारा ये है, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग फाइंड आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसलिए हम सबनेटिंग करते हैं। सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडेड लार्ज नेटवर्क टू स्मॉल नेटवर्क, लार्ज आईपी नेटवर्क, तो आईपी नेटवर्क को ही हम गाइस ग्रुप बोलते हैं, लार्ज आईपी नेटवर्क टू स्मॉल आईपी नेटवर्क एंड फाउंड आईपी एड्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। द सबनेटिंग, इसीलिए क्लास लेस इसको बोला गया है कि सबनेटिंग में कोई कंडीशन नहीं है कहां से स्टार्ट होगा और कहां पर आईपी खत्म होगा, तो यहां पर कोई क्लास मैटर नहीं करती है। आप किसी भी क्लास का आईपी यहां पे ले सकते हो और वो कहीं से भी आप ब्रेक कर सकते हो। लुक लाइक मैंने आपको बोला कि 100 रुपीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने, 1 to 100 टोकन मैंने दिया वो डिस्ट्रीब्यूट करने आपको 4 लोगों, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 से ही स्टार्ट करो, आप 50 to 25 पहले दे सकते हो या चलो, या आप उल्टा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि 100 to 75 दे दिया, 75 to 50 दे दिया, या चलो, तो आपको पता है ना आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करा है। बट हाँ ये कि चार पार्ट में अगर 100 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 25-25 ही आएगा, इससे ऊपर कम हुआ है तो गलत है। दूसरा गाइस, सबनेटिंग की क्रॉस वेरिफिकेशन भी होती है। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब है कि अगर मैंने 2,000 रुपीज 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे तो कितने गए एक के बाद 100 रुपीज गए, और अगर मैं सबसे वापिस ले रहा हूं तो मेरे पास कितने आने चाहिए 2,000 ही आने चाहिए ना। अगर मेरे पास कम या ज्यादा आ रहे तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन यहीं पर ही होती है। अगर आपने आईपी सबनेटिंग करी है, क्योंकि जब आप क्लाउड पे जाएंगे या डेवऑप्स का वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो आईपी एड्रेस आपको वहां पर यूज करने पड़ेंगे, तो वहां पे जब आप क्लाउड का नेटवर्क बनाएंगे, डेवऑप्स का वीपीसी बनाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर आप लोगों को ये आईपी एड ऑन करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका क्लाउड का नेटवर्क बनेगा नहीं, क्योंकि आप जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उन वर्चुअल मशीन पर आईपी आते हैं, हम डिफॉल्ट जो AWS ने प्रोवाइड करा है वो यूज कर लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता, बट कंपनीज कहती है हम तो अपना एग्जीक्यूट करेंगे, हम किसी का बना हुआ यूज क्यों करें नेटवर्क, मैं तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाऊंगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं अननेसेसरी फालतू का पैसा क्यों दूं किसी को। अगर किसी के पास हो तो मेरा नंबर सब पे है ही, फोन पे जीपे सारे चलते हैं उस पे। अब गाइस यहां पर मेरी कंपनी ने आईपी ले लिया कौन से वाला 21, यानी कि मेरा स्टार्ट हुआ 10.0.0.0/21, जिसके अंदर मुझे कितने आईपी मिल गए टोटल 2048 आईपी। अब ये आईपी मुझे अपनी 5 ब्रांचेस में क्या करने डिस्ट्रीब्यूट कर। अब डिस्ट्रीब्यूट के लिए भी आपको ये वाला टॉपिक आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा था कि हर बिट में कितने आईपी जाएंगे। देखिए मुझे पता है कि अगर आप स्लैश 21 बिट लेते हो तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 2048, गॉट इट। अगर आप लेते हो स्लैश 22 तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 1024, अगर आप लेते हैं स्लैश 23 तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 512, अगर आप लेते हैं स्लैश 24 तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 256, अगर आप लेते हैं यहाँ पे स्लैश 25 तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 128, और अगर आप लेते हैं यहाँ पे स्लैश 27 तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 64। अब मेरे पास सबसे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट कितनी है 1000 आईपी, तो मैं कौन सा बिट यूज करूं कि मुझे 1000 आईपी मिल जाए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10.0.0.0
स्लैश 20। अब 22 पे मुझे पता लग गया कितने आईपी सारे हैं, 124। टोटल आईपी ग्रुप कितना है मेरे पास, 2048। यानी कि 148 आईपी में से मुझे 124 आईपी किसको देने हैं, ग्रुप 1 को देने हैं। कहां से कहां तक दूंगा मैं, 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ और 10.0.0.255 तक है। यानी कि ये अभी सिर्फ 256 आईपी ही हुआ है। ये अभी कितने आईपी दिए मैंने, 256। मुझे कितने देने, 1024। 10.0.1.0 से स्टार्ट हुआ, 10.0.0.255 तक गया, सॉरी 1.255 तक गया, 256 और चले गए, यानी कि 512 आईपी हो गए। बट मुझे 1024 देने, 10.0.2.0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 255 से ऊपर मैं लेके नहीं जा सकता। जिस तरीके से आपका बाइक का मीटर चलता है ना, 0 to 9 तो 1 किलोमीटर होता है, यहाँ का जो सर्कल है वो 0 to 255, इसलिए मैक्सिमम 255 है, फिर से वो 0 से स्टार्ट हो जाए। 10.0.2.255, फिर से 256 आईपीस आ गए, 10.0.3.0, देन 10.0.3.255, और फिर से अब कितने आईपीस हो गए, अब तो हो गए 1024 आईपी। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. यानी कि अगर यहाँ पे 10.0.3.255 पे मेरा आईपी खत्म हुआ है तो अब स्टार्ट कहां से होगा नेक्स्ट? 10.0.4.0 से इधर स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट को कितने आईपी चाहिए थे, 500। तो 500 आईपी के लिए कौन सी बिट यूज करूं? तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्लैश 23। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पता है कि अगर फ्लैश 23 आई तो आपको कितने आईपी कम्युनिकेट करना, ये ऑलरेडी पता है। जिस तरीके से शॉपकीपर को पता है कि अगर कोई 100 रुपए का नोट दे रहा है तो मुझे सामान कितने का देना है, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई 100 का नोट दिया, 5000 का सामान वो आपको देगा क्या, नहीं देगा। तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहां पर है, या पहले ही पता है कि आपके गिलास में कितना पानी आएगा, आप उतना ही डालोगे, यस और नो? तो ऑलरेडी हमारी जो कोडिंग है वो उस हिसाब से करी गई है। अब यहाँ पे 512 आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वही है सेम 10.0.0.4.0, 4.0 से लेके और कहां तक गए, 255 तक गया। तो कितने आईपी हो गए, 256 आईपी, देन 10.0.5.0 से लेकर फिर 255 तक गया, और फिर से मैंने यहाँ पे दे दिए 254। यानी कि फिर से यहाँ पे 512 आईपी हो गए, ब्रांच 2 के 512 आईपी मिल गए। और देखिए यूनिक आईपी है, जो आईपी मैंने एक ब्रांच को दे दिया और दूसरे ब्रांच को एलोकेट नहीं करे। गॉट इट द पॉइंट? कृष्णा, रुबल, सौरिया, शुभम, सुनील, क्लियर है? यस सर। यस, क्योंकि गाइस एक गलत आईपी आपकी पूरी कैलकुलेशन खत्म कर देगा, और एक गलत आईपी आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं होने देगा, और एक गलत आईपी आपकी प्रैक्टिकल भी नहीं होने देगा। क्योंकि आईपी इज ऑलवेज मेरे को ग्रुपिंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने बिट पर क्या आई। मैंने यहाँ पर बिट लिख दिया तो आप बता पा रहे हो 22 23, मैं नहीं लिखता तो आप नहीं बता पा रहे, इसीलिए लिखी है कि आपको दे दिया है कि 8 to 30। अगर आपको 8 to 30 हर बिट के बारे में पता है ना, कितनी बिट पे क्या आईपी आएंगे, तो आप कभी लाइफ में कहीं नहीं फंसेंगे। यही क्लास लेस है, क्योंकि मैं क्लास ए बी का नाम ही नहीं ले रहा। नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कितनी है, 250 है। तो 10.0.6.0 स्लैश 24, 10.0.6.0 से लेकर 255, एंड कितने आईपी हो गए, 256 आईपी हो गए। यस और नो? तो यहां पर मैंने कितने आईपी दिए, 1024,
यहाँ 1024 आईपीस, यहाँ कितने दिए 512 आईपीस एंड यहाँ कितने दिए 256. नाउ 10.0.7.0 स्लैश 25. अब यहाँ पे पॉइंट आएगा समझने वाली बात, कितने आईपी चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर 25 पर कितने आईपीस मिल रहे हैं 128. 27 लेता हूं तो कम हो जाता है. तो अब जो आईपी जाएंगे तो 10.0.7.0 से स्टार्ट होगा, और अगर ये जीरो से स्टार्ट हुआ है तो 128 आईपी कहां पे होंगे 10.0.7.127 पर. 0 to 127 कितने आईपी हो गए 128 आईपी हो गए, क्योंकि भाई 25 रुपए आपने दिए तो मुझे पता है 25 रुपए में 128 आईपी बेचूंगा मैं, 129 आईपी दे ही नहीं सकता. सिंपल सा लॉजिक है ना. क्या मेरे पास आईपी कहां से कहां तक के बच गए 10.0.7.0 से 7.128 से लेकर 10.0.7.255 तक के आईपी मेरे पास बच गए जो मैंने अभी कहीं पर यूज नहीं करे. और अगर आप देखें तो यहां मैंने कितने आईपी दे दिए 128 आईपी. तो ये मेरे चारों ब्रांच के आईपी हो गए. अभी भी मेरे पास 128 आईपी बच गए हैं जिनको मैंने यूज एग्जिट होता ही नहीं है ना, क्योंकि इतनी बड़ी करेंसी की इंडियन गवर्नमेंट ने छापी नहीं है. आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. रीजन है इन एवरी ग्रुप टू आईपी रिजर्व फॉर इंटरनल पर्पस. कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपने यहां पर 128 आईपी लिए तो आपको 126 आईपी ही यूज करोगे, दो आईपी आपके रिजर्व हो जाएंगे और आईपी ऑलवेज आपको ग्रुप में मिलेंगे. अगर आप एग्जिट आईपी लेना चाहते हैं तो आप एक 64 का ग्रुप ले लो, आप उसके बाद एक 32 का ग्रुप ले लो, यस और नो. बट आपने दो ग्रुप लिए तो दोनों ग्रुप में से चार आईपी तो चले गए आपके. फिर इन दो ग्रुप को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए यू नीड अ गेटवे, आपको एक राउटर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. क्योंकि सबनेटेड सबनेट मास्क इज नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये मैंने चार अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, द सेम ग्रुप यानी कि 0 to 255 तक के आईपीज आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये वाला आईपी इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा. यानी कि अगर मेरे पास यहां पर ये चार सिस्टम है, मैं अब आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, समझने वाली बात है, बी प्रैक्टिकली करके देखना, क्योंकि मैंने तो बहुत करा है अपनी लाइफ में. मैं क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल करे कोई भी चीज एक्सप्लेन करता ही नहीं हूं. गाइस एक चीज ध्यान रख लेना यहां पर, कभी भी अगर मैंने आपको यहां पर दिए हैं दो सिस्टम और मैंने यहां पर एक आईपी डाल दिया है 10.0.0.10 और दूसरा आईपी मैंने यहां पे डाल दिया है 10.0.2.10, ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर देंगे. ये दोनों सिस्टम आपस में क्या कर जाएंगे, कम्युनिकेट कर जाएंगे. वाई, क्योंकि बोथ आर द सेम ग्रुप, इसी में से ये दोनों आईपी. यस और नो गाइस? यस सर. इसी ग्रुप में इसलिए दोनों कम्युनिकेट कर जाएंगे. लेकिन अगर मैं यहीं पर ही ये मेरे दो सिस्टम्स हैं, अब मैं अगर यहां पे एक आईपी डाल देता हूं 10.0.4.10, इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये दोनों सिस्टम अब कम्युनिकेट नहीं करेंगे. क्लियर? अब अगर आपको इन डिफरेंट को कम्युनिकेट कराना है ग्रुप को, तो यू नीड अ राउटर, आपको एक गेटवे चाहिए. यानी कि मैंने क्या करा है, 1000 स्टूडेंट को हॉल नंबर 1 में बिठा दिया है, 512 स्टूडेंट को हॉल नंबर 2 में बिठा दिया.
अब हॉल नंबर वन वाले आपस में बात कर सकते हैं ना, एक ही हॉल में बैठे हुए हैं तो कोई गेट में चाहिए नहीं, और 512 भी। लेकिन अब हॉल नंबर वन को हॉल नंबर टू से करना है तो दोनों को अपने हॉल से बाहर आना पड़ेगा, या तो लो तो गेटवे आ गया, तो यहां पर गेटवे की कॉस्ट बढ़ गई। प्लीज अब गेटवे को भी हमें आईपी देना पड़ेगा, इसलिए एक्यूरेट आईपी। फिर फ्यूचर पर्पज से आपको आईपी इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो फ्यूचर प्लानिंग तो करोगे भाई, सैलरी तभी तो बढ़वाते हैं। गाइज गॉट इन माय पॉइंट। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन और, कि अगर मैंने आपको यहां पे दे दिया स्लैश 21 और यहां पर मैंने दे दिया 10.0.4.0 स्लैश 21, तो क्या ये कम्युनिकेट करेंगे? 4.0 yes. अब ये कम्युनिकेट करेंगे, रीजन क्योंकि स्लैश 21 पे मेरे पास आईपी ग्रुप क्या है, 204A, यानी कि दोनों आईपी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ गए। अब एक ही ग्रुप में हो गए ना, क्योंकि अब ग्रुप मेरे 2000 आईपी का हो गया, यानी कि मैंने बोल दिया है 2000 से 2000 एक हॉल नंबर वन में बैठे हुए हैं। तो अब जब सारे एक ही हॉल में आ गए तो फिर तो आपस में बात कर ही लेंगे ना, फिर उन्हें गेट से बाहर जाने की जरूरत क्या है? अगर आप सब लोग एक ही सोसाइटी में हो तो क्या सोसाइटी का गेट क्रॉस करोगे? लेकिन अगर दोनों अलग अलग सोसाइटीज में देन, तो यहां जो कॉन्सेप्ट है ना वो गेटवे का है। इसके लिए यहां पर सीसीएनए आना चाहिए कंपनी नेटवर्किंग के लिए। तो हमें कोर नेटवर्किंग में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवॉप्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं आप लोगों को नेटवर्किंग पे लेके भी नहीं जा रहा, और इतनी डिटेल में मैंने बताया भी नहीं है कभी किसी को, क्योंकि मैं नेटवर्किंग बहुत कम पढ़ाता हूं। क्लियर इतना एवरीवन? तो ये है आपकी सबनेटिंग। रीजन क्या है कि कभी भी आपके पास जब नीड आएगी ना, तो आपके पास ये नीड आएगी, और इस नीड के अकॉर्डिंग आपको अपने आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा। कंपनी आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट देगी कि हमारी कंपनी का एक सेटअप होना है और ये इतने इतने सर्वर्स आप लगा दो, इससे ज्यादा कंपनी आपको नहीं बताएगी। क्योंकि अगर कंपनी आपको सारी चीज देगी ना बना के, तो कंपनी कहेगी कर भी मैं ही लूंगा भाई, तुम्हें सैलरी किस बात करो? उसने तो रिक्वायरमेंट दे दी कि इतने इतने सर्वर इस ब्रांच में लगने चाहिए। अब ये आईपी डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद से करोगे? आप बोलोगे सर इतने आईपी खरीदने पड़ेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे करो प्रोसेस, आप आईना से बाय करो आईपी, कनेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट करके और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके दो लो। मैं भी बोल देता हूँ कि 100 कंप्यूटर्स लगाइए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है 2 घंटे में, तुम्हें 100 कंप्यूटर्स के लिए 100 आईपी भी तो चाहिए, तो 100 आईपी जब आपकी कंपनी में आईपी फ्री होंगे तो आप उन्हीं को यूज करेंगे, नहीं होंगे तो लेने पड़ेंगे। यस नो? अब मेरे मैं कहता हूँ कि एक और ब्रांच आ गई, यहाँ पे मेरी कंपनी की 2 ब्रांच और आ गई। अब एक कहता है कि मुझे भी 500 आईपी चाहिए, और एक कहता है मुझे 100 आईपी चाहिए, एक 500 और एक और 100 की रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है, 100 के लिए मेरे पास 100 आईपी पड़े हुए, मैंने ये दे दिए, आईपी खत्म, नाउ आई एम बाय द 500 मोर। अब मैं बाय करूंगा, और जब मैं बाय करूंगा तो जरूरी नहीं है कि मुझे इसी रेंज के ही आईपी मिले। अगर आपके घर में टाइल्स लग रही है, जरूरी नहीं है कि सेम टाइल्स नेक्स्ट टाइम मिल जाए, स्टॉक में नहीं है, आता है ना पतंगे उड़ाई है ना, तो एक जैसी पतंगे नहीं मिलती ना, कटने के बाद दोबारा लेने जाते हो तो या तो नो ये मिल जाती है, लक है ना। तो अगर आप कहोगे सर सेम रेंज के होंगे, तो नहीं है, सेम रेंज के तो नहीं है, बट आई की तो चाहिए, आप कहेंगे ठीक है भाई दूसरा दे दो। क्लियर द पॉइंट? तो गाइस ये है आपका, तो यहां पर हमने ये कोर चीजें पढ़ी हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल, गेटवे, एड्रेसिंग, एंड कल बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में मैं एक और चीज पढ़ाने वाला हूं आपको, डिवाइसेस।
और उसके बाद एक मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे आपको वायरिंग केबलिंग, यानी कि कौन से डिवाइसेस, राउटर्स क्या होता है, राउटर्स का काम क्यों है, स्विच का क्या काम होता है, ठीक है ना, ये डिवाइसेस का एक्चुअली में यूज कहां पर करते हैं, क्यों करते हैं, और कनेक्टिविटी के लिए कौन सी वायर हम लगाते हैं। क्योंकि अब आपको मैं कहता हूं चार सिस्टम से स्विच से कनेक्ट करो, आपको पता ही नहीं है कौन सी वायर लगनी है, तो क्या आप कनेक्ट कर पाओगे? तो डिवाइस के बारे में ही पता होना चाहिए, और डिवाइस कौन सा यूज करोगे कहां पर ये भी पता होना चाहिए। अब आप किसी चाय वाले के ठेले पे जा रहे हो और वहां पे चाय पिए 5 रुपए के 2000 का नोट दे रहे हो, आपको पता हो पूरे दिन में 2000 रुपए की चाय बेचता होगा और आप सुबह सुबह जाकर उसको 2000 करेंसी दे रहे हो, वो एक्सेप्टेबल है? नहीं ना। आप उसको 100 की या 20 की या 50 की दो, वो चेंज कर देगा, वो अलग बात है कि एडवांस जमा करने जा रहे हो 1 महीने का कोटा, तो फिर एक्सेप्टेबल, कंडीशन आ गई ना। अब आपसे पूछेगा भाई ये 2000 का नोट क्यों दे रहा है, उसमें तो है नहीं। अब आप अपनी बात रखने के लिए बोल दोगे कि भाई पैसे दिखा रहा है क्या, कोई बोल दे यार दोस्त मेरा ऐसा हो तुम्हारे साथ, मैं पैसे दिखा रहा है क्या 2000 रुपए निकाल के दे रहा है, आप क्या बोलोगे? भाई निकाल के नहीं, दिखा नहीं रहा, उसके बाद एडवांस जमा कर रहा हूं, मैं रोज आता हूं, वो भी सेट और आप भी सेट, क्यों भाई? इतना काफी है आज के लिए भाई, हो या डिवाइसेस अभी स्टार्ट करें? नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है, करेगा क्या, आधा तो मिटाई दिया मैंने, वीडियो मिल जाएगी आराम से, दोबारा से देखो फिर नोट डाउन करो। लेस क्लास में कैसे सर? जैसे 8 टू आपने बताया था कि 8 टू 30 पूरा ही है, इससे ऊपर या इससे कम बिट्स नहीं होती, इतनी बिट्स होती, किसी भी क्लास में आप ले सकते हो 8 टू 30। देखो या तो आप क्लासेस वाइज चलो, बट क्लासेस वाइज ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए बेटर है माइंड में रखो 8 टू 30 और किसी भी क्लास का आईपी हो। आईपी लिखा, पता लग गया इतनी बिट्स ऑफ करनी है, मैं कैलकुलेट करूंगी मुझे 500 आईपी चाहिए, मैंने बोला अच्छा ठीक है 500 9 बिट 2 की पावर 9, मैंने मान लिया 512, यानी कि 9 बिट्स मैं ऑफ कर देता हूं, तो ऑन कितनी बची? 23। अपने आप ऑन बिट्स आ गई ना, आप उल्टा कैलकुलेट करो, यही तो फर्क है इंजीनियर और स्टूडेंट में भाई, इंजीनियर अपना दिमाग चलाता है, स्टूडेंट रट्टा मारता है, तब तुम लोगों को क्या बनना है? क्या बात है शुभम, सही आंसर दिया भाई, देखते हैं बनते हो नहीं।